देखिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो वेरी गुड, बहुत अच्छी डुबकी लगाई है उन्होंने, बहुत बढ़िया। ठंडा जल है, कोई भी श्रद्धालु नहीं मिला यहाँ पे, अंकल जी ने यहाँ पे जो है वो डुबकी लगाई है। तो दोस्तों, ऐसे पहले श्रद्धालु मिले हमें जिन्होंने अभी अभी गंगा मैया के अंदर स्नान किया। कैसे लग रहा है अंकल जी, कैसा लग रहा है? लग रहा है ठंडा। हर हर गंगे, हर हर गंगे, नमामि गंगे, हर हर गंगे, हर हर, हर हर, बोलो शंकर महाराज की, शंकर महाराज की, हर हर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, आज मैं आपको नाइट के व्यू दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे हरिद्वार हर की पौड़ी के पास गंगा का व्यू देखिए कितना सुंदर नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर कोई भी श्रद्धालु जो है वो देखिए नाइट के अंदर स्नान करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो जल है वो बहुत ही ठंडा है और बहुत ही साफ जल आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितना साफ और कितना निर्मल जल यहाँ पर बह रहा है। तो दोस्तों, आप दर्शन कर सकते हैं श्री गंगा जी के, दर्शन करिए, हरिद्वार से आपको दर्शन, लाइव दर्शन हो रहे हैं और बहुत ही सुंदर व्यू आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है और देखिए कितना मनमोहक दृश्य है। तो आपको गंगा जी के जितने भी घाट है वहाँ पर आप लोगों को मैं दर्शन करवाना चाहूँगा और बताऊँगा कि श्रद्धालु जो है वो कहाँ पर स्नान कर रहे हैं। रात्रि के जो है वो यहाँ पर 9 बजे का समय है और एक भी श्रद्धालु यहाँ पर देख सकते हैं आपको, दूर दूर तक एक भी श्रद्धालु यहाँ पर जो है वो नज़र नहीं आएगा और सभी घाट जो है वो खाली नजर आएंगे। दोस्तों देखिए, तो हर की पौड़ी पे चलते हैं दोस्तों और वहाँ का दृश्य क्या है वो मैं आपको लाइव दर्शन करवाना चाहूँगा। और दोस्तों देखिए, हमारा लड्डू सीरत वर्मा यहाँ पे मौज मस्ती कर रहा है। और कैसे लग रहा है सीरू, मस्त लग रहा है? बोलो गंगा मैया की, गंगा मैया की, वेरी गुड। और रात में कैसा लग रहा है गंगा मैया पे, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, एंजॉय हो रहा है ना, वेरी गुड। और दोस्तों, मैं आप लोगों को दर्शन करवाता हूँ यहाँ पर गंगा जी के किनारे पर बना हुआ बहुत ही एक भव्य मंदिर है। तो देखिए, यहाँ पे शिवलिंग के दर्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करिए और बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पर देखिए मूर्तियाँ यहाँ पर जो है वो स्थापित की हुई है। और इस वृक्ष के नीचे जो है वो बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियाँ यहाँ पे देख सकते हैं, माँ शेरावाली और भगवान विष्णु, भोले शंकर महाराज, हनुमान जी। और आप इधर देखेंगे कि यहाँ पर देखिए माता की बहुत ही एक सुंदर यहाँ पर जो है वो आप मूर्ति के दर्शन करेंगे। और यहाँ पर और भी जो है वो देवी देवताओं के दर्शन कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे श्री गणेश महाराज जी के दर्शन करेंगे। और यहाँ पे आप दोस्तों देखेंगे कि आप जो है वो महाकाली मैया के दर्शन करेंगे और बहुत ही सुंदर जो है वो दर्शन नज़र आ रहा है। और लड्डू हमारा जो है वो मंदिर के दर्शन कर रहा है और हाथ भी जोड़ता है। घंटी बजाना है क्या? अच्छा, चूहा आया था, वो गणेश जी महाराज है ना, इसलिए आया था चूहा। हाँ, घंटी बजा दो, मंदिर की घंटी बजा दो, आप बजा दो, बजा दो, बजा दो, घंटी बजा दो, भोले शंकर महाराज की, वेरी गुड। तो यहाँ पे देखो सीरत जो है वो यहाँ पे जय बाबा कर रहा है। कैसे करता है जय बाबा? लड्डू जय बाबा दिखाना, वेरी गुड, हाथ जोड़ के जय हो, हर हर शंभू की, गंगा मैया की जय हो। तो दोस्तों, रात्रि के समय में यहाँ पर जल की धारा जो है वो बहुत ही तेज हो गई है और यहाँ पर देखिए बहुत ही तेज जल जो है वो गंगा जी में बह रहा है इस वक्त। और श्रद्धालु यहाँ पर जो है वो नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि ठंड जो है वो बढ़ गई है हरिद्वार के अंदर और यहाँ पर जो है वो बहुत तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं। देखिए यहाँ पे श्रद्धालु आपको नज़र नहीं आएंगे, नहीं तो जो है वो गर्मियों के दिनों में इस समय श्रद्धालुओं की बहुत अधिक भीड़ रहती है इस जगह पे।
और देखिए कोई भी श्रद्धालु यहाँ पे जो है वो स्नान करते हुए नजर नहीं आएगा आपको। तो देखिए बहुत ही सुंदर व्यू है और बहुत ही निर्मल जल यहाँ पे जो है वो बह रहा है। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं और आगे के दर्शन करवाते हैं। तो दोस्तों रात्रि के दर्शन यहाँ पे आप करिए, देखिए सामने आपको धनुष पुल नजर आ रहा है और हल्की हल्की फोग भी यहाँ पे आ चुकी है और बहुत ही मनमोहक दृश्य आप यहाँ पे जो है वो देख रहे हैं। तो ऐसे ही जो है वो दृश्य देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और गंगा जी के जितने भी व्यूज़ होंगे मैं यहाँ पर जो है वो आपको अपडेट वीडियोस आपको देता रहूँगा। तो देखिए दोस्तों कितना मनमोहक दृश्य आपको नज़र आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं धनुष पुल के पास में यहाँ पे बिल्कुल पहुँच चुका हूँ और यहाँ पर रात्रि में एक भी जो है श्रद्धालु स्नान करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। सारे घाट बिल्कुल खाली खाली नज़र आ रहे हैं क्योंकि ठंड बढ़ चुकी है और इसी ठंड के कारण यहाँ पर देखिए कोई भी श्रद्धालु जो है वो स्नान नहीं कर रहा है। देखिए बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है और बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। यहाँ पे देखिए कितना मनमोहक दृश्य है, इस दृश्य का आनंद आप। तो दोस्तों आप यहां पर भागीरथी सेतु वाली साइड में यहां पे गंगा जी का व्यू देख सकते हैं। इतना तेज भाव हो चुका है यहां पे रात्रि के समय में, यहां पे जल की धारा तेज हो चुकी है क्योंकि आप यहां पे देखोगे कि आपको यहां पर कोई भी श्रद्धालु स्नान करता हुआ नजर नहीं आएगा। तो यहां पे मैं भागीरथी सेतु पर पहुँच चुका हूँ और गंगा जी का जो व्यू है वो आप देख रहे हो कि कितना तेज यहाँ पे जल जो है वो बह रहा है। एक भी श्रद्धालु जो है वो स्नान करता हुआ नजर नहीं आ रहा है और नाइट के अंदर देखिए दोस्तों जल की धारा भी जो है वो तेज कर दी जाती है। और जल की धारा जो है वो इसलिए तेज कर दी जाती है क्योंकि श्रद्धालु रात्रि में स्नान नहीं करते हैं तो जो जल है वो अधिक छोड़ दिया जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आप एक भी श्रद्धालु आपको नजर नहीं आने वाला है। देखिए दोस्तों किस प्रकार का एक शानदार व्यू आपको नजर आ रहा है और यहाँ पर जो जल जो बह रहा है वो बिल्कुल नीले रंग का जल है और जल जो है वो बिल्कुल पारदर्शी जल यहाँ पे बह रहा है, शीशे की तरह चमक रहा है बिल्कुल जल। तो दोस्तों यहाँ से आप दर्शन कर सकते हैं, देखिए कितना सुंदर व्यू नजर आ रहा है लेकिन कोई भी श्रद्धालु स्नान करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल ही शांत स्वभाव से जो है इधर वाली साइड पे जल जो है वो बह रहा है। बहुत ही सुंदर व्यू आप यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं माँ गंगा के, बहुत ही सुंदर। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जल है वो देखिए कितना साफ है और यहाँ पर देख सकते हैं आप कितना साफ जल है। और यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो अपने घर के अंदर जल लेकर के जाने के लिए जो है वो यहाँ पर जल भर रहे हैं। यहाँ पर मंदिरों के दर्शन करेंगे, रात्रि व्यू बहुत ही सुंदर नज़र आ रहा है। यहाँ पे हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड के दर्शन आप यहाँ पे कर रहे हैं, बिल्कुल हम लोग हर की पौड़ी पे पहुँच चुके हैं दोस्तों। और जल यहाँ पे देखेंगे, देखिए कितना पारदर्शी जल यहाँ पे है और बहुत ही सुंदर यहाँ पर देख सकते हैं आप। अंदर से जो है वो मैं आपको दर्शन करवाता हूँ, जल बिल्कुल देख सकें आप कितना साफ जल बह रहा है और बहुत ही सुंदर यहाँ पर देख सकते हैं आप कितना साफ जल है। अंदर से आप देख रहे हो शीशे की तरह जल जो है वो बिल्कुल चमक रहा है, बहुत ही सुंदर नज़र आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे पहले श्रद्धालु मिले हमें जिन्होंने अभी अभी गंगा मैया के अंदर स्नान किया। कैसे लग रहा है अंकल जी, कैसा लग रहा है? ठंडा नहीं है, गर्म पानी है। वेरी गुड। एक डुबकी और लगाओगे? है लगाओ। वह देखो बहुत देर बाद में एक श्रद्धालु मिले हैं जो डुबकी लगाएंगे गंगा जी के अंदर। देखिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
तो वेरी गुड, बहुत अच्छी डुबकी लगाई है उन्होंने, बहुत बढ़िया। ठंडा जल है, कोई भी श्रद्धालु नहीं मिला यहाँ पे, अंकल जी ने यहाँ पे जो है वो डुबकी लगाई है, बहुत बढ़िया। हर हर गंगे, हर हर गंगे, नमामि गंगे, हर हर गंगे, हर हर, हर हर, बोलो शंकर महाराज की, शंकर महाराज की, हर हर, जोर से बोलो, सारे बोलो, मिलके बोलो, अगले भी बोलो, पिछले भी बोलो, बोले शंकर महाराज की, हर हर, बोलो गंगा मैया की, गंगा मैया की।